Good morning, dear children. Today you will read second lesson of the supplementary. The name of the lesson is The Addresses. The address written by Marga Minko. The address आप आज बच्चों जो है आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री का, जिसका शीर्षक है द एड्रेस मार्गा मिनको, रिटन बाय मार्गा मिनको द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है. तो नाउ यू विल सी अबाउट द ऑथर. तो आपने देखा कि हर फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1957. 1957 में उनकी पहली किताब प्रकाशित हुई. तो देखिए शुरू से एक बार फिर देख लिए. मार्गा मिंको वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1920. मार्गा मिंको का जन्म 31 मार्च 1920 में हुआ था. ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार हिज होल फैमिली वॉज डिपोर्टेड. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनका पूरा परिवार निर्वासित हो गया था. सी वॉज एस्केप्ड, वह बच निकली. हर फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1957. उनकी पहली किताब 1957 में प्रकाशित हुई. सी वॉज अवार्डेड फॉर हर वर्क, वह अपने कार्य के लिए पुरस्कृत की गई. सी वॉज मैरिड टू द पोएट बर्ट ओटेन, वह कवि जो बर्ट ओटेन थे उनसे उनका विवाह हुआ, शादी हुई. नाउ यू विल सी अबाउट द लेसन. द एड्रेस इज अ वेरी टचिंग स्टोरी. जो एड्रेस मीन्स क्या होता है पता. एड्रेस एक बहुत मार्मिक कहानी है. स्टोरी ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट, एक मनोवैज्ञानिक रुचि की. यह एड्रेस जो है एक मनोमार्मिक कहानी है. इट एक्सप्लोर्स द वर्किंग ऑफ अ यंग माइंड इन वार टाइम्स. यह पता लगाती है द वर्किंग ऑफ अ यंग माइंड, एक छोटे से मन के कार्य का पता लगाती है इन वार टाइम्स, युद्ध के समय एक छोटा सा दिमाग क्या कार्य कर रहा है इसके बारे में यह पता लगा रही है. द नरेटर ज्वाइंस द सेकंड वर्ल्ड वार. जो नरेटर है कहानी कहने वाली वह द्वितीय विश्व युद्ध में जुड़ती है. व्हेन हॉलैंड वाज फाइटिंग फॉर लिबरेशन, जब हॉलैंड लड़ रहा था लिबरेशन आज़ादी के लिए. सी हैड ओनली हर मदर एट होम, उसके पास केवल उसकी माँ ही घर पर थी. दिस इज हाउ वार लीव्स इट्स स्कार, यही वह कारण है कैसे युद्ध जो है घाव छोड़कर चला गया ऑन यंग माइंड्स, इस छोटी से बच्ची के मन में दिमाग में कैसे घाव छोड़कर चला गया. दिस शॉर्ट स्टोरी इज ए पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर. यह छोटी कहानी एक मार्मिक कहानी है. पॉइग्नेंट मीन्स मार्मिक कहानी. अकाउंट ऑफ अ डॉटर, एक पुत्री के नाते यह एक मार्मिक कहानी है. जिसने हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, जो जाती है तलाश करने के लिए. क्या तलाश करें, हर मदर्स बिलोंगिंग, अपनी माँ से संबंधित चीज़ों की तलाश करने के लिए जाती है. आफ्टर द वार, युद्ध के बाद उससे माँ से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको वह तलाशने के लिए खोजने के लिए जाती है. कहाँ जाती है, इन हॉलैंड में जाती है. व्हेन सी फाइंड्स देम, जब वह उनको पाती है. दी ऑब्जेक्ट्स, वे वस्तुएं. इवोक मेमोरीज, वे जगा देती हैं. मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ,
उसके प्रारंभिक जीवन के याद को वे जगा देती हैं। हाउएवर सी डिसाइडेड टू लीव देम ऑल, सी डिसाइडेड वह निर्णय, सी डिसाइड्स वह निर्णय कर लेती है टू लीव देम ऑल बिहाइंड, उन सबको अपने पीछे छोड़ने का निर्णय कर लेती है। एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, और वह निर्णय कर लेती है टू मूव ऑन माने आगे बढ़ने का, रिजॉल्व माने निर्णय करती है टू मूव ऑन आगे अग्रसित होने का निर्णय करती है। तो यहाँ से आप देखेंगे कहानी स्टार्ट हो रही है आपकी, डू यू स्टिल नो मी आई आज, मैंने पूछा क्या तुम अभी भी मुझको जानती हो। द वुमेन लुक एट मी सर्चिंगली, वह महिला वह स्त्री मुझको तलाशते हुए देखी, मुझको तलाशते हुए जैसे कि ध्यान से देखी। सी हैड ओपन द डोर अ चिंक, उसने दरवाजे को खोली, अ चिंक मीन्स थोड़ा सा आंशिक रूप से थोड़ा सा दरवाजा खोली। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं नज़दीक आ गई एंड स्टूड ऑन द स्टेप और सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नो आई डू नॉट नो यू, मैं नहीं आपको नहीं जानती। आई एम मिसेस यस डॉटर, मैं श्रीमती यस की पुत्री हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, वह अपने हाथ को दरवाजे पर बढ़ाई। एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट, जैसे कि वह रोकना चाहती थी इट ओपनिंग एनी फर्दर, इसको और भी अधिक खोलने से, जैसे कि यह उसको रोकना चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो सीन ऑफ रिकॉग्निशन, उसके चेहरे पर पहचान की कोई निशान नहीं था। सी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, वह शांतपूर्वक मुझको देखती रही, घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मुझसे गलती हो गई। आई थाट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद यह मुझसे गलती हो गई, और मैंने सोचा शायद यह महिला कोई अन्य हो। इट इज़ नॉट हर, शायद यह हुआ नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे केवल एक बार देखा था। फ्लीटिंगली, मैंने उसको केवल एक ही बार देखा था। और फ्लीटिंगली किस कैसे, फ्लीटिंगली मिस उड़ती निगाहों से, एक अचानक निगाहों से। एंड दैट वॉज ईयर से गो, और वह कई वर्ष पहले था, पहले की बात है। इट वॉज मोस्ट प्रॉबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, शायद यह संभव हो सके मैं गलत दरवाजे को खटखटाई हूँ। द वुमेन लेफ्ट लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टीप टू द साइड, अब वह औरत जो थी वह सोची कि गलत घर की घंटी मैंने शायद दबा दी हो, अब वह महिला एक और हट गई। द लेट ओ गो ऑफ द डोर, दरवाजे के एक तरफ हट गई। एंड स्टीप टू द साइड, और उसने आगे बढ़ा, स्टीप टू द साइड एक बगल में अपने कदम रखी। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नाइटेड कार्डिगन, वह पहनी हुई थी, वह उसने मेरी माँ का हरा बुना हुआ कार्डिगन पहन रखा था। वह कह रही सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड, वह पहनी हुई थी मेरी माँ के द्वारा, ग्रीन माने हरा, नीटेड मीन बुना हुआ कार्डिगन, जो कार्डिगन था वह मेरी माँ के द्वारा बुने हुए कार्डिगन को पहनी हुई थी। द वुडन बटन्स वेयर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और कह रहे हैं जो वुडन बटन, जो लकड़ी के, देखा कि जो लकड़ी के बटन थे। द वुडन बटन्स वेयर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और वे धुलने पीले हो गए थे फ्रॉम वॉशिंग, वॉशिंग मीन्स धोने से जो उसके बटन थे वे क्या हो गए थे, पीले हो गए थे। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, वह देखी कि मैं कार्डिगन को देख रही थी। एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और मैं थोड़ा सा दरवाजे के पीछे पुनः हाफ हाइड छुपी हुई थी, मैं थोड़ा सा दरवाजे के पीछे आधी छिप गई
और वो कार्डिगन को मैं देख रही थी। बट आई न्यू नाउ, लेकिन मैं अब जान गई थी दैट आई वॉज राइट, कि मैं सही थी। वेल ठीक है, यू न्यू माई मदर, ठीक है यू न्यू माई मदर, तुम मेरी माँ को जानती हो, तुम मेरी माँ को जानती हो, आई आज मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ चुकी हो। सेड द वुमेन, महिला ने कहा, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा दैट नो वन हैड कम बैक, कोई भी वापस नहीं आ चुका था। ओनली मी, सिवाय मेरे। अ डोर ओपेंड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, एक दरवाज़ा ओपेंड खुला था एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, और पीछे से क्या था, बंद था। पीछे गलियारे में एक दरवाज़ा खुला था तथा बंद भी हो गया। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और उसमें से एक सीलन युक्त गंध निकली। आई रिग्रेट, मैंने पश्चाताप किया। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैंने पश्चाताप किया कि मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकती थी। थैंक यू, दैट्स ऑल।